नमस्कार दोस्तों, आप सभी के हमें ब्रिस्टेक चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप मैक्रो का यूज एमएस वर्ड में कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैक्रो का यूज बड़ा ही आसान है, लेकिन जिससे नहीं बनता उसके लिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो ठीक है, मैं बता रहा हूँ कैसे आप मैक्रो का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये रहा, सबसे पहले आप फाइल मेनू में जाएंगे। ठीक, फाइल मेनू में वर्ड ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए एक शो डेवलपर टैब इन द रिबन दिखा हुआ, आप इस पर क्लिक करके ओके कर दीजिए। ठीक, ये देखिए यहाँ पे डेवलपर टैग मेनू आ गया आप वाले में। देखिए, यदि आपने अभी तक ये डेवलपर मेनू को ऑन नहीं किया तो ये ऑन करना पड़ेगा। तो ये डेवलपर को आपने जैसे ही चेकबॉक्स पे सिलेक्ट किया वो आ गया, ओके किया। इसके बाद मैक्रो का यूज हम क्यों करते हैं ये जान लीजिए। मैक्रो का यूज हम इसलिए करते हैं कि कोई भी चीज़ हमको बार बार लिखने की जरूरत ना हो। इसको आप डेवलपर टैग में जाइए, डेवलपर मेनू में, और यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड मैक्रो लिखा हुआ है। यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे आप मैक्रो का नाम दे सकते हैं, जैसे हमने दे दिया क्या, और फिर कीबोर्ड से हम इसका शॉर्टकट बनाना चाहते हैं कि हम जैसे कि अल्टा शिफ्ट के साथ यल प्रेस करें तो वो चीज़ हमारा आ जाए, शॉर्टकट हम बना रहे हैं। ठीक, ये हमारा शॉर्टकट करंट कीज रेडी, और फिर क्लोज कर दीजिए। और यहाँ से आप जो भी लिखेंगे, जैसे हमने बनाया तो ये एम्प्लॉय नेम की ज़रूरत हमको बार बार पड़ती है मान लीजिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, बार बार थोड़ी ना हम वो चीज़ लिखना चाहते हैं। जैसे हमने लिख दिया और इसे होम पे जाके बढ़िया इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया। ठीक है, चाहते हैं कि यही हर, फिर हमने लिख दिया हमने इतना लिख लिया। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि हर पेज में इन एम्प्लॉई का नाम हो और यहाँ पे कुछ अलग चीज़ लिखना है। ठीक, तो आपको इसके लिए आपको डेवलपर टैग में जाके ये स्टॉप रिकॉर्डिंग लिखना है, ये क्लिक कर देना। ठीक, इसके बाद आप यहाँ पे जो लिखना चाहते हैं मान लीजिए, जैसे यहाँ पे राजकुमार के लिए एक देना है, इसमें मान लीजिए अभी इनके लिए एक, इनके लिए दो, इनके लिए तीन है, इनके लिए चार है, इनके लिए पाँच। ठीक, अब हम चाहते हैं कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँ, ठीक, तो कंट्रोल अल्टा शिफ्ट के साथ यल हमने बताया था आपको, शॉर्टकट की हमने बनाया था, ये देखिए वही चीज़ आ गया। फिर हम इसे चाहते हैं दोबारा पेस्ट करना तो अल्टा शिफ्ट के साथ यल। यदि हमको मान लीजिए की भूल जाता है और हम चाहते हैं फिर भी पेस्ट करना, तो यहाँ से आप ये चीज़ जान सकते हैं। जैसे डेवलपर में आपने गया, ये मैक्रो लिखा हुआ है, यहाँ से ये देखिए कॉपीराइट नाम से हमने बनाया था। ठीक, यहाँ से हम रन करेंगे तो ये रन होता जाएगा, जितनी बार हम चाहें यहाँ से उतनी बार कर सकते हैं। इस कॉपीराइट को हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, जो भी हम चाहें। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा मैक्रो काम करता है, ये देखिए। ठीक, अब इनमें से जैसे हमने इनमें 1 2 3 4 5 लिखा था, अब इसमें हो सकता है 9 10 जो भी लिखना चाहते हैं, या इसके अबाउट में लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं ना, उसी तरह से जिस तरह से मैक्रो का यूज होता है। तो दोस्तों, मैक्रो का यूज आप इसी तरह से नहीं, बहुत सारे जगहों पे कर सकते हैं। आप कहीं पे एम्प्लॉय नाम, कहीं पे सर्टिफिकेट, कहीं पे आप लिस्ट बना रहे हैं किसी का और बार बार वही चीज़ नाम आ रहा है,
तो हमको वही चीज बार बार लिखने की जरूरत ना हो, ठीक है ना। जैसे कि हम आपको एक चीज और बता रहे हैं इसी में, इम्प्लॉय नाउन, ठीक ना। अब हम फिर से चाहते हैं कि इसमें से क्या हो कि हम ये मैक्रो रिकॉर्ड फिर कर रहे हैं। यहाँ पे आप लिख दीजिए, इसके लिए भी यदि आप बनाना चाहते हैं कोई शॉर्टकट की तो बना लीजिए, अल्टा के साथ ही हमने कर दिया, असाइन कर दिया, ठीक, क्लोज कर दिया। अब हम इसमें कितना चाहते हैं कि सिर्फ लाइन आए, सिर्फ हम इतना चाहते हैं कि ये सभी में आए, ठीक। तो इसके लिए आपने स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देना है। फिर इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो आप अल्टा के साथ यल कर दीजिए, ठीक, फिर अल्टा के साथ यल कर दीजिए। आपको वो करने लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, आप यहाँ से डायरेक्ट कर भी सकते हैं। ये लाइन वाले पर क्लिक करके रन कराइए, ये आ गया। मतलब हमको बार बार लिखने की ज़रूरत ना हो इसलिए हम मैक्रो का यूज करते हैं, ठीक है। यदि आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए। तो दोस्तों आपको इस तरह की बहुत सारी वीडियोज हमारे इस चैनल पर उपलब्ध हैं, और जो मिल जाएंगी बड़ी आसानी से, और आप देख सकते हैं, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं दोस्तों। प्लीज कोऑपरेट मी, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय।